नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, तैयारा इस्लामाबाद की जानिब महवे परवाज। तैयारा ईरान के रास्ते पंजगूर से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। 2:30 बजे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। साबिक वजीर आजम कुछ देर क्याम के बाद लाहौर रवाना होंगे। एयरपोर्ट से सीधे जलसागाह पहुंचेंगे। इसहाक डार ने जाती उम्रा जाने की इत्तलात की तरदीद कर दी। 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। उम्मीद है हम अब भी मुल्क के हालात ठीक कर सकते हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू, कहा सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया, आज सुरखरू होकर वतन वापस जा रहा हूँ। दुख होता है मुल्क आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। अपने पाँव पर हमने ही खड़ा होना है, किसी ने नहीं खड़ा करना। लाहौर में नून लीग के पावर शो की तैयारी मुकम्मल। ग्रेटर इकबाल पार्क में 40 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। बुलेट प्रूफ केबिन भी नस्ब। शहर में पार्टी परचमों की बहार, बड़ी तादाद में कारकुनान की आमद। मुल्क भर से काफले पहुंच गए, ढोल की थाप पर भंगड़े, पुरतकल्लुफ नाश्ते का अहतमाम। नवाज शरीफ जी आया नू। शहबाज शरीफ का बड़े भाई की वतन वापसी पर ट्वीट के जरिए खैर मकदम। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुश्किलात में घिरे आवाम के लिए नवाज शरीफ ही उम्मीद हैं। आज मुश्किल दौर है, हल नवाज शरीफ के पास है। बोल से गुफ्तगू में राना सनाउल्ला बोले 2017 में साजिश के तहत फितने को लाने के लिए हालात पैदा किए गए। अजमा बुखारी का कहना था लोगों को यकीन है नवाज शरीफ के आने से हालात बदलेंगे। गजा को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी के लिए रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। पहले मरहले में सामान से भरे 20 ट्रक मिस्र के रास्ते दाखिल। सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिले के लिए सरहद के करीब मौजूद। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली वहशियाना बमबारी के 15 रोज, गजा पर रात भर हमले, मजीद 46 अफराद शहीद। शहादतों की तादाद 4,300 से बढ़ गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा में 1500 से ज्यादा बच्चे शामिल, 13,000 से ज्यादा जख्मी। गजा में अक़वामे मुत्तहिदा के मजीद 2 मुलाजमीन हलाक, तादाद 16 हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।